इतना जल्दी हो जाता है? देखिए आप यस ओके आई गॉट इट. देखिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, हम लोग इतने सारे हैं, इतने सालों से हम लोग सब काम कर रहे हैं. जब चीजें बहुत बहुत बड़ी बन रही हैं, पहले तो बन रही थी ओके हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे थे, कोडिंग हो रही था, टेस्टिंग हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, राइट. तो बनने के बाद फिर उनको चीजों को इंटीग्रेट करना था बहुत सारी चीजों में, राइट. वो एक प्रोसेस चला. उस जब वो सिस्टम सारे चलते हैं तो तभी हमें मालूम चलता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया में वो चीज टेस्ट हो रही है, आपका एक प्रोडक्ट है बहुत बड़ा, वो इंडिया में टेस्ट हो रहा है और पिछले काफी टाइम से टेस्ट हो रहा है, राइट. बहुत बड़ा प्रोडक्ट अपना. और सर वो रियल टाइम में जो यूजर बिहेवियर डाटा निकल के आता है उसमें ये होता है कि ओके ठीक है, अगर यहाँ पे कोई 19-21 रह गई है उसको फिक्स किया जाता है, वो सारी सारी चीजों को. डेट यहाँ पे कभी भी नहीं दी है, ये जस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं, हम सबके सब लोग अज्यूम कर लेते हैं, अरे डेट दे दी, डेट दे. वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और हम दूसरा पार्ट भूल जाते हैं. असल में कंपनी का दूसरा पार्ट भूल जाते हैं कि कंपनी चीजों को कर रही है ना, बनाने के बाद कर रही है. फॉर एग्जाम्पल राइट, आपका जब घर बनता है ना, घर खड़ा कर दिया सीमेंट से, बट उसके बाद उस घर को आप व्हाइट वॉश करते हो, कलरिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, उसके बाद फिर फर्नीचर वगैरह आता है, सारा कुछ, ये कई कुछ होने के बाद फिर वो रहने के लायक बनता है. वो ये नहीं कि अच्छा ठीक है वो खड़ा हो गया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आपका डेंटिंग पेंटिंग भी हो गई घर के, सारा कुछ हो गया, फर्नीचर भी आ गया है, जस्ट उसको अभी वो ताला लेके आपको बीच में डालना है, ये सारा कुछ हो चुका है, राइट. छोटी छोटी चीजें हैं. इस रैश ने तभी कल मैसेज किया था, मैंने आप सब लोगों को पढ़ के भी सुनाया है. तो डोंट गेट इनटू की डेट देगी, डेट कुछ नहीं है आपके सामने अभी भी. आप देखना किसी दिन आप उठोगे और आपके सामने वो सारा कुछ पड़ा होगा कि अरे ये तो मुझे क्या पैसे डालने हैं अभी, यहाँ क्या करना है, मुझे कमीशन लेने हैं या कैसे करने है, तो आ भी गया, राइट. तो ऐसा एक सिनेरियो होने वाला है. सो प्लीज जितने भी मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन से कमेंट्स देखे हैं लोगों के, या कुछ करे कुछ उल्टे सीधे भी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो जस्ट एक बना के रखिए अपने दिमाग में बात, एक विजन को, फ्यूचरिस्टिक विजन है ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है. इसलिए बियॉन्ड अपनी इमेजिनेशन से सोचा करें बातों को कि हम लोग तो फ्यूचर का कुछ बना रहे हैं, हम अभी का नहीं बना रहे कि 2023 का बना रहे, हम फ्यूचर का बना रहे हैं बेसिकली. और जो फ्यूचर में होना है वो हमें आज बना के दिया जा रहा है. और अगर हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना इधर उधर हो गए तो उससे हमारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होने वाला, हमारा उल्टा फ्यूचर और स्ट्रांग होके आ रहा है. तो जो विजन है हमारे अपनी, जब भी हम ऑन पैसे में काम कर रहे हैं, हम अपनी विजन को प्लीज थोड़ा सा पढ़ा लें, पढ़ा कर लें ओके. क्योंकि यहाँ पे बड़ी जो विजन मिस्टर ऐश की है उसी को लेके वो चल रहे हैं. क्यों मैं कमेंट पर ऑफिस खोल रहे हैं ये, हमें क्या फायदा. अरे भाई आपको नहीं मालूम ऑफिस क्यों खुल रहे हैं, अभी आपको क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है कि ऑफिस खुल गया, ऑफिस खुल गया. क्योंकि ये सिस्टम को चलाना है अब, और ऑफिसेज में अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग काम हो रहे हैं, राइट. और इसलिए वो सिस्टम ऑफिसेज को अब जाके ओपन किया जा रहा है. अभी और भी ऑफिसेज है, एक दो आपके सामने शायद आने वाले हैं, राइट, उनको भी ओपन किया जा रहा है. ताकि सिस्टम को जब चलाना है तो वहां पे मैन फोर्स चाहिए, वहां पे अलग अलग सिस्टम को चलाने के अलग अलग चीजें चाहिए. हमारा सपोर्ट स्टाफ जो है उसको भी अलग अलग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग स्टाफ होगा, अलग अलग. तो इतना कुछ हो रहा है ना, आपके होश उड़ जाएंगे जब आप अगर एक्चुअल में सिस्टम को समझोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है इतना कुछ यार एक ही झटके में सारा कुछ, राइट. तो अब जो ऐप है और उसके बाद ओ वेरीफाई वाला सिस्टम है, वो सारा कुछ हो गया है, जस्ट इंटीग्रेट किया जा रहा है. वो ऐप में किसी दिन ऐप आएगी आपके पास, ओके बैक हाउस में डाउनलोड करिए उसको, ऐप को अपना सारा कुछ डालिए, बात खत्म ओके. और वो अराउंड द कॉर्नर है, हम लोग मतलब कि शुरू होने वाले हैं किसी भी दिन ओके. तो इसलिए डेट कुछ नहीं है, वो किसी की भी दिन का मतलब ये नहीं कि अभी है, मे बी कल भी हो सकता है, मे बी 2 दिन के बाद भी हो सकता है, मे बी 10 दिन के बाद भी हो सकता है, राइट. तो इसीलिए डेट नहीं है, वो जिस दिन ऐप का या सिस्टम का हो जाए ओके गुड, वो कल को ही हो जाए चाहे ओके. सो इसलिए घबराया मत करो, हमारे फ्यूचर के लिए ही वो एक्चुअल में चीजें हो रही हैं. तो जितने भी लोग ये जो कमेंट्स करते हैं वो करते हैं, तो उनको सिंपल सी एक बात है, कमेंट्स मत करा करें, जस्ट सिस्टम को देखें और सिस्टम में ये देखा करें कि इसमें मिस्टर ऐश हैं, इसमें इतनी बड़ी टेक्निकल टीम काम कर रही है, इसमें इतने इतने बड़े दिमाग काम कर रहे हैं. और वो दिमाग ऐसे ही नहीं काम कर रहे, वो हमारे भलाई के लिए या सिस्टम को लॉन्च करने के लिए ही काम कर रहे हैं. वो ये नहीं कि डेट दे दे और हम कुछ ना करें, नहीं ऐसा नहीं है ओके. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सारे चीजों को हमने ठीक है, हमने $97 देके जस्ट एक पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, दैट्स हमारा इतने काम है ना. हम कोई ऑफिस थोड़ा ले रहे हैं, अपने पैसे भी नहीं खर्च रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो जस्ट. तो अगर हमने एक पोजीशन को होल्ड किया है तो प्लीज उसको पॉजिटिवली होल्ड करके रखिए,
ओके, क्योंकि अगर वो सिस्टम चलेगा तो ये हमारी पोजीशन चलेगी, मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम को आधा अधूरा आपके सामने पेश करके दे दिया जाए कि डेट बोली थी और देर बहुत बोल सकते हैं जी। और दो चीज बोलना है सर, सर सारे लोगों के लिए है कि हम थक के गिरे मरुस्थल में, हम थक कर गिरे मरुस्थल में और हाथों में ऑन पेसिव का जाम आ जाए, हम खुदा उसी को मान ले, भगवान उसी को मान ले, वाहे गुरु उसी को मान ले जो मेरे बुरे वक्त में काम आ जाए। वाओ, गुड गुड गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। मेरे टीम मेंबर वाले को, सारे लोगों को थोड़ा हाई बोल दीजिए और बोले शांति दिमाग से रहने की। बिल्कुल शांति रहिए, सब इंडिया शांति रहिए यार, टेंशन मत लिया करो यार, मैं बता रहा हूँ हम लोग है यार खड़े हुए यहाँ पे, गिरने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है, लीडर्स की गारंटी है, जितने लोग यहाँ पे वेबिनार में पैनल पे और बाकी लोग, हम सब की गारंटी है, किसी को कोई धोखा नहीं होगा, किसी को कुछ मिसलीड नहीं किया जा रहा है, जस्ट पेशेंस बनाइए, हम आपको साथ में, ऐश भी आपको साथ में लेके अपलिफ्ट करने वाले हैं, जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, कुछ दिनों की बात है, मे बी कल ही हो जाए, मे बी परसों हो जाए, वी आर गोइंग टू रॉक, और हम इंटरनेट को ऐसी तैसी करने वाले हैं अगर हम हिंदी में बोले तो। ठीक है, ठीक है, तो घबराया मत करो यार, विश्वास रखा करो, हम पे विश्वास रखो सब लोगों के ऊपर, ठीक है, डोंट गेट नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं, अगर कुछ गलत होगा ना तो गुरसमिंदर आपके लिए सबसे पहले खड़ा होगा, 6 लाख फाउंडर के लिए सबसे पहले गुरसमिंदर खड़ा होगा और मिस्टर ऐश को क्वेश्चन पूछा अगर मुझे लगेगा कि इफ समथिंग इज रॉन्ग, राइट, बट प्लीज मिस्टर ऐश जो है अगर जस्ट 5-4 लाख रुपया दे सकते हैं ऐसे ही जस्ट कॉन्टेस्ट का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें मिस्टर ऐश की, कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं हम सबके लिए, राइट, वो अगर ये कॉन्टेस्ट रखा था ना यूट्यूब का, वो ऐसे नहीं रखा था, इसके पीछे मकसद समझा करो आप चीजों को ना एनालाइज नहीं कर रहे बेसिकली, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है या वह कि कॉन्टेस्ट रखने के पीछे एक कारण था, राइट, कि हम ऑर्गेनिक तरीके से किस किस लेवल पे जा सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके, पेड ट्रैफिक तो हम बाय भी कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ऑर्गेनिक तरीके से हम एक चीज के साथ पता नहीं कितने निशाने साध रहे हैं इस यूट्यूब वीडियो कॉन्टेस्ट में, राइट, कि हमें लगभग आई थिंक कितने 1,15,000 कमेंट्स हुए हैं एक हफ्ते में उस वीडियो के ऊपर, राइट, सो 1,15,000 कमेंट्स जब होते हैं ना तो हिलती हैं चीजें टेक एंड में, राइट, कौन से, वो टेक वर्ल्ड की, वो यूट्यूब की, अरे ये क्या है, वो कह रहा है, ये कौन है ये लोग, क्योंकि उनके एनालिटिक टूल्स हैं जो गूगल के पास है, यूट्यूब के पास है, वो उनको उनको एग्जैक्टली मालूम है कि ये ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कमेंट्स हो रहे हैं, ये कोई इधर उधर से पकड़ के हुए कमेंट्स नहीं है, इनको वीरू को म्यूट कर दीजिए, वीरू सागर जी म्यूट हो जाइए प्लीज, सर मेरी कॉपी तो आज ही है सर, हाँ, सो मेरे कहने का मतलब है मकसद होता है ऐश का, कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ मिस्टर ऐश के करने का स्टाइल जो है, वो जब भी कुछ कर रहे हैं वो हम सबको कुछ देने से पहले ये सारी चीजें कर रहे हैं, जिसमें ये भी एक कॉन्टेस्ट था और 1.5 मिलियन के करीब वहां पे वो सारा कुछ हुआ, तो वो भी सारा कुछ हुआ है, तो इसके पीछे मकसद था एक और उस मकसद में हम लोग कामयाब हुए हैं, आपको मालूम नहीं कि वो ये सारी वीडियो का मकसद कहाँ पे एक्चुअल में जाके और हमें सक्सेसफुल कर रहा है, आपको आने वाले दिनों में सारा कुछ मालूम चलने वाला है, ओके, सो डोंट वरी, घबराइए मत, मतलब कि हम लोग कामयाब ऑलरेडी हो चुके हैं, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट दैट जी।